आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के अप्लास्टिक एनीमिया पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और दुनिया के लाइलाज बीमारी, एप्लास्टिक एनीमिया, एक ऐसी रक्त संबंधी विकार या बीमारी जिसमें कि हमारे जो बोन मेरो है उसका सप्रेशन होने के कारण जो बोन मेरो के स्टेम सेल्स हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते, और उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स की जो मात्रा है या फिर जो खून बनने की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाती है, और उस कारण से काफी सारे आपके CBC ब्लड मार्कर में डिफिशियंसी का सामना करना पड़ता है या डिफिशियंसी देखने लग जाती है। इस तरीके के पेशेंट्स में काफी बुरी तरीके से प्लेटलेट का प्रोडक्शन सफर करता है, और निश्चित तौर पर इसके कारण उन्हें प्लेटलेट की कमी के कारण जीवन भर तामूम्र प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट की प्रतिकूलता का सामना करने की मजबूरी या व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। चूंकि बोन मेरो के सप्रेशन के कारण जब स्टेम सेल पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते तो जो प्लेटलेट की क्वांटिटी है वो पूरी तरीके से डिरेंज होने लग जाती है, प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, उसके कारण हमें सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सामना करना पड़ता है, और इस तरीके की बीमारी में खून बनने की जो रफ्तार है वो भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है, इसके कारण हीमोग्लोबिन की भी कमी होने लग जाती है। इस तरीके की बीमारी जिसे हम एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि लाइलाज बीमारी की श्रेणी में मानी जाती है। दोस्तों, अगर एप्लास्टिक एनीमिया के कारणों के बारे में अगर बात करें तो कई प्रकार के कारण, जैसे कि एक्वायर्ड डिफिशियंसी किसी जेनेटिक कारणों से, या फिर हो सकता है कि किसी दवा का साइड इफेक्ट, किसी टॉक्सिन का साइड इफेक्ट, या फिर बोन मेरो का कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण बहुत तेजी से किसी दवा के कारण या किसी बीमारी के कारण बोन मेरो का सप्रेशन होना चालू हो जाए, इस तरीके की बीमारियों के कारण भी कॉम्प्लिकेशन के रूप में एप्लास्टिक एनीमिया का हमें स्वरूप देखने में आता है। और कहीं ना कहीं एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी, जो कि खून से जुड़ी हुई बीमारी है, रक्त संचार से जुड़ी हुई बीमारी है, बहुत बुरी तरीके से प्लेटलेट का प्रोडक्शन इसमें सफर होता है, और उसके कारण बहुत तेजी से खून की मात्रा में कमी पाई जाती है, और पेशेंट जीवन भर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, PRP ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ATG के इंजेक्शन या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट, इस तरीके के इलाज के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लास्टिक एनीमिया की एक ऐसी पेशेंट मिस मनस्वी अहिरे, जो कि इंदौर के रहने वाली थी और पिछले 6 वर्षों से एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित थी, जिसके कारण इलाज के नाम से उन्होंने काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के इलाज लेने की कोशिश की, CMC, वेल्यूर, फोर्टिस हॉस्पिटल या फिर इंदौर के काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल या हेमेटोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट, काफी सारे इलाज लेने के बावजूद भी जब उन्हें किसी प्रकार से आराम नहीं मिला, इवन यहां तक कि उन्होंने ATG के इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्लेटलेट की स्थिति सुधर नहीं रही थी, और कहीं ना कहीं प्लेटलेट के डाउन होने के कारण जीवन भर इस प्रकार से जो डर जो दिमाग में रहता है कि कभी भी ये इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है प्लेटलेट की कमी के कारण, एप्लास्टिक एनीमिया जो कि लाइलाज बीमारी है और जान लेने वाली बीमारी है, इसलिए ये डर हमेशा बना रहता है पेशेंट के दिमाग में कि कभी किसी प्रकार की इंटरनल ब्लीडिंग ना हो जाए। दोस्तों, जब मनस्वी अहिरे को ATG इंजेक्शन के बाद बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया था, तब इस बीच में मिस्टर अहिरे को, जो कि मनस्वी अहिरे के पिताश्री, उन्होंने कहीं ना कहीं से पता किया मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बारे में, और जब उन्हें ये बात पता चली कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान जिसके माध्यम से हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स के लिए किसी भी प्रकार के एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, पेन साइटोपेनिया, ITP, ऐसे काफी सारे जो गंभीर बीमारी जिसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है, जब इस मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी पल को खराब किए मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का उपचार चालू किया। और ये मॉडर्न होम्योपैथी का ही चमत्कार था दोस्तों कि मनस्वी अहिरे को प्रथम दिवस से ही फर्क पड़ना चालू हुआ, उनका बॉडी रिस्पांस मेंटेन होना चालू हो गया, बॉडी का कंट्रोल पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होने लगा, उनके बोन मेरो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करने लगे, और उनकी जो प्लेटलेट की रिपोर्ट जो कि 3000 के निम्नतर स्तर तक पहुंच गई थी, आज मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार के कारण 90,000 तक पहुंचकर काफी अच्छे तरीके से मेंटेन है, और काफी अच्छी स्थिति में मनस्वी अहिरे आज अपना सामान्य जीवन बिना किसी डर के और बिना किसी तनाव के आज आसानी से जी पा रही और दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर पा रही है। मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक विज्ञान
जो कि पूरी तरीके से एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, जो कि हिमेटोलॉजी के सभी प्रकार की बीमारियां, चाहे वो आईटीपी बीमारी हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो, ब्लड कैंसर हो, पेन साइटोपिनिया हो, या फिर किसी भी प्रकार से बोन मेरो के सप्रेशन वाली बीमारियां हो, इसमें किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए काफी सारे पेशेंट जो कि हिमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स में, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं उनकी रिपोर्ट्स, पहले और बाद की रिपोर्ट्स आप पूरी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि आज मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार के कारण दुनिया के सामने स्वस्थ होकर अपना जीवन जी पा रहे हैं। और ये हमारा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं अगर किसी भी एक इंसान की जान बचाने की प्रेरणा अगर मिल रही हो तो आप इसे जरूर आगे से आगे इसे शेयर कीजिए। अंत में यही कहना चाहूंगा, आप या तो प्रत्यक्ष रूप से मिलें या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें रिपोर्ट प्रेषित करें, किसी न किसी की मदद करें, कहीं ना कहीं दुनिया को और समाज को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने में भी सहायक बने। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर, थैंक यू, नमस्कार।